क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के कारण पांचना बांध में पानी आने से बांध से गंभीर नदी में जल निकासी की जा रही है। पांचना बांध से जल निकासी के बाद गंभीर नदी का पानी टोडा भीम के कई गांवों से होते हुए श्री महावीर जी के आगे कंजोली, लपावली, सिंगनिया, महू गांव तक जा पहुंचा। नदी में काफ़ी दिन बाद पानी आने से लोगों में खुशी की लहर है, तो वहीं नदी में पानी की भारी आवक के चलते भोपुर गांव में बना एनीकट पानी के बहाव में मर्दा अपरदन से कच्ची मिट्टी बहकर चली गई। किसी अनहोनी की आकांक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क रहा और गांव-गांव ढाणी ढाणी मुनादी कर लोगों से नदी किनारे से दूर रहने की अपील करता नजर आया। यूं तो सावन के मास में प्रत्येक शिवालय में शिव भक्त पहुंचते हैं, लेकिन राजसमंद जिले के आमेट कस्बे में स्थित वेबर महादेव का विशेष महत्व है। आमेट नगर से करीब 1 किलोमीटर दूर वेबर महादेव मंदिर में पूरे सावन मास में भक्तों की खासी भीड़ उमड़ती है। इसमें नगर और आसपास के ही नहीं दूर दराज से भी भक्त अपनी मनोकामनाएँ लेकर वेबर महादेव के चरणों में नतमस्तक होते हैं। यहाँ भगवान शिव का शिवलिंग कब से स्थापित है इसके बारे में तो किसी को नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर प्राचीन समय से शिवलिंग स्थापित है। वेवर महादेव पहुँचे, कैसा लगा और कितना दूर पड़ता गांव से आपका? हम गांव पांडा से हैं और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है और हम हमारी फैमिली के साथ भोलेनाथ के दर्शन के लिए आए और हमने इनकी पूजा की और हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी। सावन का दूसरा सोमवार है, हम इसलिए आज यहाँ वेबर महादेव जी आए हैं, यहाँ के आके दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा मौसम भी अच्छा है, जिस हिसाब से अपन यहाँ पे आए हैं उस दर्शन वगैरह भी है और खूब पूजा अर्चना वगैरह हो रही है। हमने भी अपने लिए भगवान से कुछ मांगा है, इसलिए आज यहाँ पे अच्छा लग रहा है। मतलब कहाँ रहने वाले हैं? राज संबंध। तो यहाँ आने का विशेष कोई खास रहा है आपका? दर्शन का हिसाब था, सुना था इधर देवर महादेव की भी है, इसलिए पहली बार आए, अच्छा लगा इसलिए, और आके वास्तव में देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था इधर। नाम क्या है? अंजू पटना। महादेव के देवर माता के नाम से था और यहाँ पे नाथ भीम सिंह जी के टाइम, रावत भीम सिंह जी के टाइम पे नाथ संप्रदाय के एक संत ने जीवित समाधि दे त्याग दी, उसके ऊपर ये शिवलिंग स्थापित किया गया है और ये अति प्राचीन है। इसका लगभग इतिहास कोई नहीं जानता, 400-500 साल के ऊपर है और ये कालांतर में एक मंदिर बनने के बाद में ये वेवर महादेव के नाम से प्रचलित हुआ और यहाँ पे गांव की एक छोटी सी कमेटी गठित की गई, उसमें मंदिर मेला वगैरह स्टार्ट किया गया और मेला शिवरात्रि महोत्सव के रूप में मनाया गया। शोभा यात्रा गांव में गांव के लोगों द्वारा निकली जाती है और मंदिर पे आके रात्रि जागरण करते और सावन मास में पंडित भवनलाल आचार्य के सानिध्य में सावन मास का उत्सव मनाया, जिसमें भरत जी बागवन और समिति के अध्यक्ष हैं जो उनका विशेष सहयोग रहा और ग्रामीण लोगों का अच्छा बोलबाला और अभिषेक वगैरह की तमन्ना से नित्य अभिषेक होते हैं। प्रातः 4 बजे से मंगला आरती के बाद अभिषेक चालू हो जाता है। 8 बजे प्रातः भोग आरती की जाती है और दिन भर अभिषेक और अमला नारी वगैरह ये सब जल चंदन कर लेडीज वगैरह सब आती हैं, महिलाओं की और पुरुषों की भीड़ रहती है और शाम को 7:30 बजे भगवान की आरती की जाती है। श्रावण मास को लेकर कितना कैसे रहता है मंदिर? श्रावण मास में दिन भर रेलम कर लेती है और रुद्राभिषेक, नमक चमक, अनुष्ठान, जप, काल श्रव योग के सब गांव के पंडित वगैरह करते हैं और लास्ट में पूर्णावती होती है और इस प्रकार ये मंदिर बहुत प्राचीन है। ठीक। यहाँ पे वेवर माता भैरवनाथ का मंदिर है, गुफा है प्राचीन जो वर्तमान में अभी इसको बंद कर दी क्यों गहरी खाई होने के कारण इसको 40 साल से बंद कर दी गई अंदर, और पूर्व संत कस्तूरनाथ जी, हरियानाथ जी, संतोष गिरी जी और आदि काफ़ी नाथ संप्रदायों और गिरी संप्रदायों का और एक जैन संत सहजानंद जी का भी साधना स्थली रही हुई है। वेवर महादेव प्राचीनतम स्थान है और इतिहास का तो ये स्थान इतना पुराना है कि यहाँ का इतिहास आज दिन तक किसी को मालूम नहीं है और कहते हैं कि राजघराने के टाइम से महारावल यहाँ पे भीम सिंह जी थे, उन्होंने यहाँ कोई संत की समाधि के ऊपर इस शिवलिंग की स्थापना कराई और वेवर महादेव यहाँ वेवर माता जी की गुफा की वजह से वेवर महादेव नाम पड़ा।
और इस शिवलिंग का नाम वैसे भीमा शंकर महादेव। यह पर्यटक को लेकर ये काफ़ी विकसित रहा है, इसको लेकर क्या आगे संस्था कितना और विकास है? पर्यटन के लिए तो संस्था निरंतर प्रयास कर ही रही है। पहले यहाँ केवल कच्चा हुआ करता था और जो काफ़ी जो इतने सारे विकास हुए हैं कुछ सरकार की मदद से, कुछ भामाशाहों की मदद से, कुछ नगरपालिका की मदद से जो विकास कार्य करवाए गए हैं, जैसे गार्डन का विकास है, पानी की व्यवस्था है, सराय की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था यहाँ पर लगभग परिपूर्ण है। कितने वर्षों का ये रहा होगा कार्यकाल या मंदिर इतिहास का? मंदिर इतिहास का ऐसा कोई मालूम तो नहीं है, लेकिन बताते हैं 500-600 वर्ष पुराना ये शिवलिंग है। राज्य सरकार की विफलताओं के खिलाफ भाजपा लसाड़िया मंडल द्वारा जन आक्रोश प्रकटीकरण व हल्ला बोल कार्यक्रम हुआ। भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध में उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। एक लिंगनाथ महादेव मंदिर से कार्यकर्ता ने हाथों में तख्तियां लिए व काले झंडे लिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय तक पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। वो कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर बेरोजगार भत्ते, चिकित्सा विभाग, खनन विभाग से लेकर RPSC में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग की। साथ ही शिक्षा मंत्री डोटासरा पर कार्यवाही की मांग की। जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी ने कहा कि सरकार डोटासरा को तुरंत पद से हटाकर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच करे। उपखंड क्षेत्र की पंचायत समिति आंधी की ग्राम पंचायत लालवास में बाण गंगा नदी तट पर 108 पीपल के पौधे क्रमशः बालाजी महाराज मंदिर व शमशान घाट तथा आसपास के क्षेत्र पर ग्राम के सभी नौजवान साथियों एवं बालाजी युवा शक्ति टीम रक्तदान प्राणदान पूर्व सरपंच सुरेश चंद मीणा, सरपंच लाली देवी, विक्रम सिंह मीणा, मुकेश ध्यावना, काशीराम मीणा, राजू ध्यावना आदि के सहयोग से पौधारोपण के इस प्रोग्राम को सफल बनाया गया। जांजगीर चांपा जिला नवागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कोटिया नेगुरडी कांसा जो कि एक ही हलका में आता है, जिसका ग्राम सहायिका चंदना बोले हैं जो अपने कार्यालय में कभी कभार ही आते हैं, जिससे गांव के किसान बहुत ही परेशान हैं। सप्ताह में 4 दिन उनका गांव में निरीक्षण रहता है, वह एक दिन मीटिंग भी रहती है जिसमें भी नदारत रहती है। कॉल में बात किए जाने पर मेरी मर्जी से कार्यालय आऊँगा हवाला देते हैं। ऐसे ही पिछले कई सालों से चल रहा है, जिससे किसानों को काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मांग है कि ऐसा भ्रष्ट अधिकारी को कार्यालय से हटाया जाए और ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया जाए जो किसानों की मदद करे, हर योजना को किसानों के बीच पहुँचाए और फसल का निरीक्षण करे। साथियों, आज हम लोग भीम रेजिमेंट और भीम आर्मी जो है यहाँ पर हम लोग ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नवागढ़ ब्लॉक में कोटिया नेंगुड़ी और कांसा एक हलका होता है और तीनों गांव के लिए जो है एक ग्राम सहायिका जिसका नाम बताना चाहूँगा चंदना बोले हैं, वो अपने पदभार में कभी भी अपने कार्यस्थल पर कभी भी नहीं आती हैं, हमेशा नदारद रहती है, जिसके वजह से किसानों को हमेशा आए दिन हमेशा प्रॉब्लम होती रहती है, क्योंकि सरकार की ओर साई हुई कोई भी योजनाओं का उन्हें लाभ नहीं मिलता, ना ही जानकारियां मिलती हैं। चंदना बोले जो कि बिलासपुर में रहती है और अब कभी भी यहाँ अपने ऑफिस में उपस्थिति नहीं रहती, कभी कभार आती है, कब आती कब जाती इसके बारे में भी कोई जानकारियाँ नहीं मिलती हैं। गांव वाले उनको ढूंढते रहते हैं कि उनकी उपस्थिति है कि नहीं, तो इस स्थिति में पता चलता है कि उनकी उपस्थिति कभी भी नहीं रहती है, जिसके वजह से ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आज भीम आर्मी और भीम रेजिमेंट की संयुक्त टीम के द्वारा यहां पर जो है जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया है और यदि इसके विरुद्ध अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन करने की भी यहाँ पर चेतावनी दी गई है। नमस्कार सर, मैं धनंजय मनहर, नवगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष भीम रेजिमेंट। हम लोग आज जांजगीर जिला कलेक्ट्रेट आए हैं। मामला यह है कि नवगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत कोटिया निगोड़ी और कांसा आता है, उसके तीनों हलका एक ही है और वहाँ के ग्राम सहायिका जो है चंदना बोले, वो कभी ऑफिस में नहीं रहता और किसान को जो भी समस्या रहती है उसको सॉल्व नहीं करते, जिसकी वजह से किसान आए दिन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। नवपदस्थ
अन्य विभागीय अधिकारी राजस्व आईएएस प्रशिक्षु एसडीएम के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा पूरे हॉस्पिटल परिसर में घूमकर प्रत्येक वार्डों में जाकर मरीजों से चर्चा कर हालचाल जाना, वहीं उपस्थित डॉक्टर से आने जाने वाले मरीजों को उचित इलाज के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। उनके द्वारा ओपीडी एक्सरे रूम मातृ शिशु जननियों से चर्चा कर उनका हाल चाल जाना, वहीं जननी माताओं के बेड में बेडशीट पीलो तथा ओढ़ने के लिए चद्दर नहीं रहने पर उनके कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए ड्यूटी में उपस्थित नर्स से कहा गया कि प्रतिदिन बेड में चादर बिछी तथा साफ सफाई होते रहना चाहिए। एसडीएम द्वारा पैथोलैब कक्ष का निरीक्षण कर होने वाले टेस्ट के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि आने वाले मरीजों का कोविड 19 का पालन करते हुए आप लोगों के द्वारा टेस्ट किया जाए। उनके प्रत्येक दिन डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारियों से स्वास्थ्य विभाग में सभी कर्मचारियों का ड्यूटी चार्ज बनाने के निर्देश दिए। उनके द्वारा अनुपस्थित रहने वाले बीएमओ डॉक्टर, नर्स को सो कॉज नोटिस जारी किए गए। साफ सफाई वैसे तो मोर और लेस ठीक है, बट थोड़ा और व्यवस्था सुधारा जा सकता है। हमारे पास स्टाफ ज़्यादा है, उसके हिसाब से सफाई जो है वो और बेहतर हो सकती है। कुछ डॉक्टर्स हैं जिनकी ड्यूटी है वो अवेलेबल नहीं है, अभी एबसेंट है। ड्यूटी चार्ट लगाने के निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो स्टाफ हो या डॉक्टर हो, उनका ड्यूटी चार्ट लगा हुआ होना चाहिए। एक्सरे के पेशेंट्स कम हैं, वो चेक करेंगे क्यों यहाँ पे जितना ओपीडी से रेफर हो रहा है उतना हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। कुछ नोटिस वगैरह किसी उपस्थिति, जो लोग अनुपस्थित हैं उनको दिया जाएगा शो कॉज नोटिस। जांजगीर चांपा जिले में आज 2 अगस्त से स्कूल प्रारंभ हुआ है, जिसमें एक बड़े लंबे अंतराल बाद स्कूल खोलने से बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला है। बच्चों के चेहरे में स्पष्ट खुशी दिखाई दी है। नवागढ़ विकास खंड के ग्राम पंचायत कोटिया के शासकीय प्राथमिक शाला में कुल 75 बच्चे हैं। सभी बच्चों के चेहरों में मास्क दिखाई दिया और अपने पास पानी की बोतल में गर्म पानी दिखाई दिया। बच्चों में जागरूकता बढ़ी है। वहीं प्रधान पाठक ने बताया कि शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल में 50% बच्चे रखना है, सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आज शासन के आदेश अनुसार मतलब समय पर छात्र जो है 50% आधा छात्र आएंगे और कक्षाओं संचालित करने के लिए मतलब आधा कक्षा भाई, सीए भाई और मध्यान्ह भोजन के गर्म चावल सब ताजा भवन भोजन मतलब खिलाना है। देखो बाल बच्चों को उसमें मेंटेन करने के लिए सर हाथ पैर मतलब छात्र लोग साफ सफाई करके करेंगे और साबुन से हाथ धोएंगे मतलब छात्र लोग और सैनिटाइजर के लिए मतलब हमारे पास है सिंचाव करना है। धनिया पूरे क्लास का नेम कीरा सुनवा। संक्रमण के वजह से हम लोग स्कूल नहीं आ पा रहे थे। हाँ थोड़ा पढ़ाई और थोड़ा मस्ती। क्लास में हैंड वॉश करना है, मास्क लगाना और खाने से पहले हाथ धोने के लिए थोड़ा दूर में पता नहीं। अच्छा बहुत अच्छा लग रहा हम लोग पालक का साइन लेंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे। अभी खाना नहीं बनाएंगे क्योंकि ये रिक्शा वाली बात है, इसीलिए हम लोग पालक को आज मीटिंग में बुलाएंगे, उसके बाद ही खाना बनेगा और साफ सफाई तरीका से ही खाना बनाएंगे जब पालक लोग सहमति दे देंगे। तो कुछ नहीं मिला है जानकारी, लेकिन फिर भी इसे माहौल के देखते हुए हम लोग बोल रहे हैं कि सर हम लोग को सूचना दिया है कि खाना बनाओ, तो हम लोग कल का साफ सफाई कर चुके हैं लेकिन खाना नहीं बना रहे हैं। खाना बनाएंगे तो पालक लोग भी हम लोग का साथ देंगे, तभी खाना बना के दे पाएंगे। सच भी गए थे, सरपंच भी वही हम लोग को सलाह दिए हैं कि पालक लोग का साइन ले लो, उसके बाद खाना बनाना। जय सत्य। मेरे नाम ललिता निराला है। जय सत्य गुरु स्व सहायता हमारी समूह है। हम लोग को कम से कम 10 साल हो गया है स्कूल चलाते हुए, 10-12 साल। यहाँ शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया था कि पालक और पंचायत की सहमति से
स्कूल संचालित करना है, तो हम लोग इसमें मीटिंग लिए थे पंचायत और पालकगढ़ का शाला विकास समिति का, जिसमें सभी पालक लोग अपना अपना सहमति दिए हैं कि स्कूल में बच्चे को भेजेंगे और कोरोना गाइडलाइन के पालन, मास्क का लगाना, ये सब सैनिटाइजर वगैरह करना, इस सब का बताएं पालक लोगों का, इस टाइप से रहना है करके, और सब सहमति से अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, सब मास्क लगा लगा के आ रहे हैं और दूरी बना के अपना क्लास में बैठ रहे हैं, और आज से स्कूल चालू हो गया है। और रही बात मध्यान्ह भोजन की, तो शासन का निर्देश है मध्यान्ह भोजन देना है बच्चों को, तो इसमें हम लोग स्व सहायता समूह जो मध्यान्ह भोजन चलाती है यहाँ, उनको बुलाए हैं, तो इनका कहना है कि हम लोग पालकगढ़ से सहमति लेंगे कि वो लोग अपने बच्चे को मध्यान्ह भोजन खिलाने में राजी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसके बाद बनाएंगे बोल रहे हैं। तो अभी हम लोग पालक लोगों को बुलाए हैं, अभी 12 बजे तक फैसला हो जाएगा और उसके बाद फिर सबके सहमति से मध्यान्ह भोजन पकाएंगे और बच्चे को खिलाएंगे सुरक्षित ढंग से। ग्राम पंचायत कोटिया है, मेरा नाम शिव कुमार लहरे है, मैं सरपंच पुत्र हूँ। मेरा नाम आनंद है, कक्षा चौथी, गांव कोटिया। एक कोरोना की वजह से चलाते थे पहला दिन मस्त है तो हाँ। खाने से पहले हाथ धो लेना है और आने के लिए सैनिटाइजर लगा के मास्क लेके आना। मेरा नाम श्रीमती रमा श्रीवास है, मैं बापू प्राथमिक शाला कोटिया में पढ़ाता हूँ। शासन के नियमानुसार बच्चों को 50% स्कूल आना है और मध्यान्ह भोजन आज से चालू होगा और बच्चे को हैंड वॉश कराना है और मास्क लगा करके स्कूल आना है। हाँ, साफ सफाई से किचन का साफ सफाई करके चावल वगैरह दाल वगैरह सबका साफ सफाई से मध्यान्ह भोजन देंगे। बिलासपुर से गिरफ्तार लूट का मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डिलक्स आरोपी से बरामद। थाना प्रभारी टंडन के आदेश पर एएसआई गोपाल सतपति की कार्यवाही थाना डबरा के तहत त्वरित कार्यवाही, मामले का संक्षिप्त वितरण किया गया। जांजगीर चांपा कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नवीन पद स्थापना का आदेश जारी किया है। जारी आदेश अनुसार जेजेपुर तहसीलदार श्री आर वही शर्मा को जिला कार्यालय के भू अभिलेख शाखा में संलग्न किया गया। इसी प्रकार पामगढ़ के नायब तहसीलदार शेखर पटेल को प्रभारी तहसीलदार चांपा की जिम्मेदारी दी गई। नायब तहसीलदार के लहरे को चांपा से स्थानांतरित कर जेजेपुर का प्रभारी तहसीलदार नियुक्त किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। जांजगीर चांपा में स्तनपान सप्ताह के आयोजन के लिए जिला स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि स्तनपान सप्ताह का आयोजन 1 से 7 अगस्त तक किया जा रहा है। कार्यक्रम की थीम स्तनपान में पुरुषों और परिवार की जिम्मेदारी है। सप्ताह के दौरान शिशुवती महिलाओं को स्तनपान करवाने में पति को सहयोग करने, घर के कामों में मदद करने के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिससे बच्चे को स्तनपान कराने के लिए माँ को ज्यादा समय मिल सके। परिवार के अन्य सदस्यों को भी शिशुवती माता का सहयोग करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल खेड़ला खुर्द दौसा के प्रांगण में 121 पौधे लगाकर वन महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मोटाराम भादू, उप निदेशक
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, विशिष्ट अतिथि भामाशाह सीताराम मीणा एवं प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र मीणा ने पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिक्षक धर्मेंद्र कुमार धर्मी ने बताया कि पौधारोपण कार्यक्रम के लिए स्थानीय विद्यालयों के व्याख्याता प्रियंका मीणा एवं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार ने पौधे उपलब्ध कराए।